पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उन लोग के अकॉर्डिंग होता है। हमने बिल्कुल अच्छे से सिचुएशन को कंट्रोल किया, सबको यहाँ से डिस्पर्स किया बताया। अभी जो कंप्लेन आया, कंप्लेन के अकॉर्डिंग ये एफ आई आर करेंगे और जो भी इसमें पर्सन इन्वॉल्व है उन सबके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन। देखिए जी, लास्ट क्वेश्चन, कल से क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर पाएंगे, परमिशन नहीं मिलेगा? ना, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी का परमिशन नहीं होगा, लेकिन जो बड़ी पब्लिक रैली है, बड़ी पब्लिक रैली है बाइक के लिए, वो चीज़ का हम रिव्यू कर रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं। अभी हम जो हमारी पार्टी टीम ओसी वगैरह के साथ बैठ के उसका डिसीजन लेंगे और वो आप लोगों को इंटीमेट कर रहे हैं। देखिए सर, सीपीएम वालों का कहना है, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि मतलब शासक दल उनके ऊपर अटैक पे अटैक करते जा रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे, किसी को अरेस्ट नहीं किया? जो भी हमारे पास थ्रेट परसेप्शन आए, जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आए और उन्होंने बोला है कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है, उनको पर्सनल सिक्योरिटी भी दी है, इसके डेटा हमने प्रोवाइड करा दिया उनको भी। जिन लोगों ने बोला है कि हमारे ऊपर थ्रेट है, उनको हमने पर्सनल सिक्योरिटी दी है। जिन पार्टीज को हमने परमिशन दी है कि आप पॉलिटिकल प्रोग्राम कर सकते हो, उन पार्टीज के वहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉय किया है और कहीं भी जो भी इंसिडेंस हुआ है, जो अटैक का बता रहे हैं, वो बिना परमिशन के वो लोग तो कर रहे थे प्रोग्राम, उनमें हुआ है। जहाँ भी परमिशन दी गई है वहाँ पर एक भी जगह पे कोई अटैक नहीं हुआ। नहीं, आप लोग परमिशन नहीं दे रहा है, इसी सबूत? हाँ, इसका भी आपको बता देता हूँ, अभी तक जो भी मेरे पास आया है मैंने सभी परमिशन दिया है, एक्सेप्ट फ्यू, उसके डेटाज भी मैंने सबमिट कर दिए। इवन टीएमसी वाले भी खुश है कि उनका मैंने कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया, एक्सेप्ट 102 जो प्लेस हो रहा था, वो हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है कि जो फर्स्ट पार्टी पहले एक स्पॉट पे अप्लाई करेगी उसको हम देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट का हम रिग्रेट कर देंगे, लेकिन अगर दूसरी पार्टी रिग्रेट करती है तो पहले पहली वाली पार्टी करेंगे। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमिशन रिग्रेट किया, ये उनकी कंप्लेन है ही नहीं, वो लोग बोल ही नहीं रहे, कंप्लेन भी नहीं कर रहे पॉलिटिकल पार्टी पर, ये उनकी कोई समस्या नहीं। ठीक है, हम पूरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, कोई समस्या नहीं, अच्छे से इन्वेस्टिगेट। थैंक यू सो मच। सबूत नहीं है आपका, आप लोग के पास? ना, उन्होंने खुद ने बोला है, मैंने ट्रोल इंटरव्यू किया, आयोग ने किया और लेडी ऑफिसर ने हमारे इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला है कि उन्होंने वो कमेंट मारे हैं, बाकी और भी चीज़ें उनके साथ होंगे, उनको सारी हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके रिगार्डिंग, सीसीटीवी फुटेज है, हम सारा वो एविडेंस देख के उसके अकॉर्डिंग हमने अरेस्ट किया। रमेश जी, सीएम का सभा था जिसमें जो रेकलेस ड्राइविंग का मामला हुआ है, ड्राइवर अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ? हम उनको सारी डिटेल पूछ रहे हैं और हम कल जिसे उनको प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद चाहेंगे कि हमको कस्टडी मिले रिमांड के लिए उनका, तो उसके बाद हम पूरी डिटेल पूछेंगे। अभी उनसे पूछ रहे हैं कॉपरेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग और बाकी रिमांड चाहिए। मेडिकल के लिए आज करें या कल? हाँ, आज ही चलो, आज होगा, जैसे जो भी रूल्स है, जो भी लोग के अकॉर्डिंग में सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, और वो लोग साथ में थे, लेकिन लोग सेटिस्फाइड है पुलिस। लेकिन आज जो इंसिडेंट हुआ, पुलिस स्टेशन के अंदर जाके मारपीट कर रहे थे, आप पुलिस के कंपाउंड के अंदर कोई मारपीट नहीं थी, जो भी आप देख लेंगे ठीक आपको लगेगा, आप कोई वीडियो है हमारे पास है, हम भी देखेंगे अगर ऐसा वीडियो है। हाँ, पूरा जो ग्राउंड था उसका कंट्रोल करने में कंपाउंड के बाहर जो हुआ है उसको हमने, क्योंकि पहला हमारा काम सिचुएशन कंट्रोल करना था, जो एक्यूज, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस वालों को तो आप लोगों ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन बीजेपी वाले जब आपके थाने में आके गुंडागर्दी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, एक भी किसी को अभी तक आपने एफआईआर कोई अरेस्ट कुछ भी नहीं किया, क्यों नहीं किया? जस्ट हमने कंप्लेन लिया है। हाँ, कंप्लेन से एफआईआर हम रजिस्टर कर रहे हैं। हाँ, जो भी जस्ट हमको कंप्लेन दी है उनके रिगार्डिंग। हाँ, और अभी एफआईआर लेके और जो भी थे उन सभी को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके श्योर हम स्ट्रॉन्ग एक्शन। रमेश जी, कल का जो तृणमूल का प्रोग्राम है वो क्या कैंसिल हुआ, परमिशन दिया, मिल रहा है? अभी तक के अंडर रिव्यू है, परमिशन किसी को नहीं मिला, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को परमिशन मिला, इसके रिगार्डिंग डिस्कशन चल रही है, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, लॉ ऑर्डर का इश्यू हुआ भी, उसको हम अंडर रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू करके उसको, रिव्यू करने के बाद हम जो भी पॉलिटिकल पार्टी कोई चांसेस है अभिषेक का कैंसिल होना? ना ना, हम ये अभिषेक का या उसका ये नहीं है, जो भी एनालिसिस है देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का, उसके रिगार्डिंग हम उसके अकॉर्डिंगली हम परमिशन। तृणमूल में वो तृणमूल आदमी लोग बोल रहा है आप लोग मतलब शासन बहाल के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, तो जो बीजेपी भाजपा का आदमी लोग कुछ नहीं पकड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं? हमारा वो काम नहीं है, हमारा काम है सोसाइटी को सर्व करना और जो भी बेस्ट पॉसिबल हम कर रहे हैं। आज भी आपने देखा कि हमने जो भी यहाँ पर कुछ भी अगर हो रहा था, पूरा पुलिस पूरा दलबल के साथ हमने उनको प्रोटेक्ट किया, बाकी स्ट्रॉन्ग
एक्शन भी हम हर केस में लेंगे। रवि जी, टीएमसी से जो भी एफआईआर किया गया है, एक भी एक्शन नहीं लिया गया है पुलिस से? ऐसा नहीं है, जो भी सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी एफआईआर टीएमसी सभी का सभी का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम उनको अपडेट भी कर रहे हैं, टीएमसी मांग रहे हैं उनको अपडेट कर रहे हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन। कल जो इंसिडेंट हुआ है इसे को अरेस्ट किया गया है? कल को इंद्रनगर में वो मेरा ही सदर सब इसका आपको बताएंगे, एनसीसी एसडीपीओ बताएंगे। सायोनी घोष को जो आप लोग गिरफ्तार किया था, तृणमूल आदमी लोग बोल रहे हैं आप लोग झूठ मूठ बोल के आप वो लोग को फंसाया? ना झूठ मूल के वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो उन्होंने खुद